तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रगड़ा पैटीज बनकर तैयार है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। हमने इसमें एकदम मज़ेदार ऐसे स्मोकी फ्लेवर भी डाला है ताकि ये परफेक्ट ठेले जैसा टेस्ट हो जाए। उसके ऊपर है मीठी चटनी, तीखी चटनी, वाह बढ़िया, क्या बात है। ये लॉकडाउन में है ना, हम स्ट्रीट फूड काफ़ी मिस कर रहे हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा ही चटपटा स्ट्रीट फूड हम घर पर बनाए। है एवरीवन, मैं हूँ मधुरा एंड वेलकम टू मधुरा द रेसिपी। आज हम बना रहे बिल्कुल ठेले स्टाइल ये रगड़ा पैटीज। तो रगड़ा पैटीज बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेने हैं मटर। तो ये सफ़ेद वाले मटर है ना, सूखे वाले ड्राइड वाइट पीस, वो हमें लेने हैं। वो एक कप मटर मैं बाउल में निकाल लूँगी और उसमें पानी डालकर हम रात भर उसे सोक करने के लिए रखेंगे। तो पानी डालने से पहले 2 से 3 बार वॉश करना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप इसमें पानी डालें। तो देखें यहाँ पर, तो मैंने ये रात भर भिगो के लिए है और ये अच्छे से फूल चुके हैं, आप देख सकते हैं। अगर रात भर पॉसिबल नहीं है तो कम से कम 5 से 6 घंटा तो इसे भिगोना ज़रूरी है। तो ये भिगोए हुए मटर हम डालेंगे प्रेशर कुकर में। उसमें डालेंगे हल्दी 1/2 चम्मच और हींग। हींग डालना ऑप्शनल है, लेकिन कोई भी ये जो लेंटिल्स या फिर बीन्स रहते हैं ना सूखे वाले, तो वो डाइजेशन में ईजी जाता है, तो इसीलिए हींग में डालती हूँ। अगर आपको नहीं अच्छा लगता मत डालें। थोड़ा सा पानी ये कर लेंगे मिक्स। और अब हम मीडियम हीट पर बस 1 सीटी निकालेंगे। रात भर मैंने इसे सोक किया है तो ज़्यादा सीटी लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बस 1 सीटी काफ़ी है। ऐसे ही मसालेदार और जायकेदार रेसिपीज के लिए मधुराज रेसिपी को YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए। चलिए रगड़ा बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें जाएगा सबसे पहले जीरा 1/2 चम्मच। जीरा अच्छे से फूल जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अब ये मिक्स कर तेल के साथ हल्का सा सुनहरा रंग आने तक इसे हम भून लेंगे। प्याज यहाँ पर अच्छे से भून चुका है, अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। मिक्स कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। अब ये भी 3 से 4 मिनट हम भून लेते हैं मिक्स करके। ये टमाटर प्याज के साथ अच्छे से गल चुके हैं, आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट हो चुका है ये मसाला। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1 बड़ी चम्मच, रोस्टेड जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला और लाल मिर्च का पाउडर, दैट्स इट। अब ये 2 मिनट तक हम इसे भून लेंगे जब तक ये मसाला तेल में से सेपरेट ना होने लगे। ये प्याज और टमाटर का मसाला अच्छे से भून चुका है और ये तेल है ना मसालों में से रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं साइड में, परफेक्ट। अब ये जो हमने मटर रखे थे बॉईल करने के लिए, पकाने के लिए, वो तो हो चुके हैं, आप देख सकते हैं प्रेशर रिलीज हो गया है, सुपर। और ये अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, परफेक्ट, एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब ये जो हमारा रगड़ा है या फिर बॉईल किए हुए मटर है जाएंगे इस मसाला में। अब कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा पानी, तो यही कुकर में मैंने थोड़ा पानी ऐड किया है, क्यों वेस्ट करें ना, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, परफेक्ट। अब नमक स्वाद अनुसार, अब हम इसे मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे और एक उबाल आने तक इसे पकाएंगे। यहाँ पर ये रगड़ा मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक अच्छे से बॉईल कर लिया है और आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया दिख रहा है, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए ज़बरदस्त। अब गैस करूँगी बंद। तो हम कभी भी
ठेले पर रगड़ा पैटिस खाते हैं ना, तो वो रगड़ा का टेस्ट या फिर पैटिस का टेस्ट बहुत अलग रहता है, उसका जो स्वाद है अलग रहता है। तो वो जो स्मोकी फ्लेवर होता है ना, जब हम घर पर बनाते हैं तो वो मिस हो जाता है। तो आज हम इस रगड़े में डालेंगे वो स्मोकी फ्लेवर, वो ट्विस्ट। तो सबसे पहले हम ये प्याज का स्लाइस इस रगड़े के ऊपर रख देंगे, उसके ऊपर कोयला। तो कोयला मैंने गैस के ऊपर रख कर अच्छे से गरम कर लिया है। अब ये गरम कोयले के ऊपर जाएगा थोड़ा सा घी। परफेक्ट। और अब इसे इमिडिएटली हमें ढक कर रखना है और 5 मिनट तक हमें ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये बढ़िया सा कोल फ्लेवर वाला रगड़ा हमारा बनकर तैयार है, लाजवाब। अब ये हम निकाल लेते हैं कोल और ये पैस भी। चलिए रगड़ा तो बनकर तैयार है। तो पैटिस बनाने के लिए यहाँ पर 3 आलू मैंने उबाल कर उसके छिलके निकाल कर अच्छे से मैश कर लिए हैं। अब इन मैश किए हुए आलू में हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा मिर्च बारीक कटा हुआ, हल्दी का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, बारीक कटा हुआ धनिया और नींबू का रस चटपटे टेस्ट के लिए। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर वो सब डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम जब बाद में इसमें चटनी डालते हैं ना, और रगड़ा भी वैसे हमारा टेस्टी है, तो एडिशनल टेस्ट की हमें इस पैटिस में ज़रूरत नहीं है। अब इसे बाइंडिंग के लिए ना काफ़ी जगह पर ब्रेड क्रम यूज़ करते हैं, काफ़ी जगह पर एरोरूट पाउडर यूज़ करते हैं, कॉर्नफ्लावर यूज़ करते हैं, लेकिन आज मैं आपको ये सिंपल तरीका दिखाती हूँ। तो यहाँ पर पोहा है, जो हम लोग पोहा थीक वाला पोहा था ना, कांदा पोहा बनाने के लिए, वो ब्लेंडर जार में मैंने डाल लिया है और जस्ट मिक्सी में ऐसे पीस कर इसका पाउडर बनाना है। तो ब्रेड क्रम नहीं होता लेकिन, कॉर्नफ्लोर नहीं होता लेकिन, पोहा तो ज़रूर सबके घर में रहता है। तो ये बस 2 चम्मच हमें पोहा चाहिए। इससे क्या होता है ना, ये आलू को बाइंडिंग तो बहुत बढ़िया आ जाता है, उसी के साथ ये पैटिस को हल्का सा क्रिस्प भी बढ़िया आता है। तो अब बस ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से हो चुका है मिक्स। अब हम इसके बनाएंगे पैटिस। तो आपको जो साइज के, जो शेप के चाहिए, वो शेप के आप पैटिस यहाँ पर बना सकते हैं। मैं तो ये स्टैंडर्ड वाला अपना गोल वाला ही बना रही हूँ, छोटा बड़ा जैसे भी आपको चाहिए वैसे आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए हमारे बढ़िया से पैटिस बनकर तैयार है और यहाँ पर तेल भी हमारा तैयार है। तो अब शालो फ्राई ही करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। ये पैटिस रखते हैं तेल के ऊपर। और अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। एक साइड से 3 से 4 मिनट फ्राई होने के बाद हम इसे पलट कर, सुपर, आप देखिए कितना अच्छा कलर आया है। दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे। वाह वाह वाह, एकदम बढ़िया। ये तो दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई हो चुकी है। चलिए अब हम करते हैं इसका प्लेटिंग। तो प्लेटिंग के लिए सबसे पहले तो लेंगे ये आलू की टिक्की, आलू पैटिस। तो एक से थोड़ी ना काम होने वाला है। तो यहाँ पर 2 आलू की पैटिस, लवली। अब इसके ऊपर जाएगा ये गर्मा गर्म रगड़ा जिसमें हमने डाला है स्मोकी फ्लेवर।
चटनी की रेसिपी मैंने पोस्ट की है, तो आप ज़रूर वो ट्राई करना। ये है मीठी वाली चटनी, सुपर। और ये हरी चटनी जो है तीखी वाली चटनी। अब इस पर जाएगा बारीक कटा हुआ प्याज और सेव। सुपर, रगड़ा पैटिस हमारा बनकर तैयार है। बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है, आप देख सकते हैं। वाह वाह वाह, रगड़े का टेस्ट बहुत अच्छा है। उसे हमने कोल फ्लेवर दिया है, स्मोकी फ्लेवर दिया है, टिक्की भी अच्छी टेस्ट कर दी, कुरकुरी। रेसिपी अच्छी लगी तो YouTube पर मधुराज रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मधुराज रेसिपी।